नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे पोहे और ब्रेड से टेस्टी नाश्ता। सबसे पहले हम 4 पीस ब्रेड ले लेंगे और आधा कटोरी पोहा। इसको बनाने के लिए एक छन्नी वाला थाली ले लेंगे। इसमें हम पोहे को डाल देंगे, फिर इसे हम पानी से अच्छी प्रकार से धुल देंगे। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम ब्रेड को तोड़ के मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमारा ब्रेड क्रम पीसकर तैयार हो गया है। 5 मिनट बाद पोहा जो है पूरा फूल गया है। अब पोहे को हम बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम पोहे में ब्रेड क्रम मिला देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, और इसे हम मिलाएंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डाल देंगे, आधा चम्मच मीठा सोडा भी डालेंगे और इसे हम आटे की तरह गूंथेंगे। अब इसे हम ढककर रख देंगे और इसमें डालने के लिए फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग में 1 कप हम बॉयल मटर ले लेंगे। इसमें मैं 2 हरा मिर्चा और 3-4 कलियां लहसुन एक साथ उबाल ली हूँ। अब हम इसे अच्छी प्रकार मैश कर लेंगे। इसमें मैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, गाजर और हरा धनिया पत्ता डाल दूंगी। साथ ही 1 पैकेट मैगी मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे प्रकार से मिला देंगे। इसमें मैं 1 आलू भी कद्दूकस करके डाल दे रही हूँ, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। अब पोहे के आटे में से हम 1 पेड़ा बना लेंगे और उसमें फिलिंग जो है ये मेरा मसाला, इसको हम भर देंगे जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। अब हम ये सबको एक साथ स्टीम कर लेंगे। अब हम तेल गरम करके इसको हम फ्राई कर देंगे। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारा नाश्ता जो है कितना आराम से बन गया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।